वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्र। आज हम आपके सामने एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आज हम डिस्कशन करेंगे आईटीबीपी में जो हमारे पास वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हमारे पास आईटीबीपी की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें हमारे पास 12th बेस पे है ये, और कितनी टोटल पोस्ट है, कब लास्ट डेट है, कैसे हम इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, किस तरह कैटेगरीज वाइज को डिवाइड किया गया है, इसकी फुल जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईटीबीपी के हमारे पास कितनी पोस्ट हैं। तो हमारे पास आईटीबीपी में, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल सीएम की डायरेक्ट एंट्री है। जो मेल की वैकेंसीज रहेगी हमारे पास वो टोटल रहेगी 135, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 55, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 रहेगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हेड कॉन्स्टेबल सीएम डायरेक्ट एंट्री फीमेल की, ठीक है। फीमेल की हमारे पास 10 पोस्ट अनरिजर्व में है, 4 पोस्ट रहेगी आपकी एससी में, एसटी में 3 पोस्ट, ओबीसी में 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट, और टोटल 23 रहेगी, और टोटल वैकेंसीज हमारे पास 158 है। और बी पार्ट आ जाता है हमारे पास हेड कॉन्स्टेबल कंबाइंड मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये अलग पोस्ट है और ये कंबाइंड मिनिस्टर डायरेक्ट एंट्री अलग पोस्ट है, ठीक है। इसमें हेड कॉन्स्टेबल सीएम लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, ये इसमें ये रहेगी और टोटल 90 पोस्ट है, और अनरिजर्व के लिए 74 पोस्ट रहेगी, एससी के लिए 8 रहेगी, एसटी के लिए 8 रहेगी, ठीक है। और इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, थ्रू ये हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट है जो www.recruitment.iitbppolice.nic.in, ये ऑफिशियल साइट है हमारे पास। इस पर आप जाके फुल प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। जिसको अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो वो हमें फॉर्म सेंड कर सकता हो, हम उसकी फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 100 रुपीज़, ठीक है, और जिसमें फ़ी आर एग्जम्प्टेड फॉर फीमेल, ठीक है, फीमेल के लिए एग्जम्प्टेड रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हम कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और स्किल टेस्ट क्या है, ठीक है। हेड कॉन्स्टेबल के लिए जो, ठीक है, हेड कॉन्स्टेबल ए पार्ट है जो मेल फीमेल डायरेक्ट एंट्री वाला, ठीक है, जिसमें हमारा एज क्या रहेगी 18 to 25 years, ठीक है, 18 और 25 के बीच के जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन रहेगी इंटरमीडिएट, ठीक है, 12th रहेगी, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइपिंग स्किल की बात करते हैं तो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। ये आपको 35 जो शब्द होते हैं या इंग्लिश में टाइप करने हैं या इसके बदले 30 शब्द जो हैं वो टाइप करने पड़ेंगे हिंदी में, ठीक है। और सेकंड में आ जाते हैं हम, तो सेकंड में भी सेम रहेगा इसलिए इसमें, ठीक है, दिया नहीं है। तो इसमें आपकी एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।